हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और स्पेशल केस हम देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में, इस लेक्चर में हम बात करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो अगर हमारे पास में कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फ़ा, और यहाँ से हम कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं थीटा एंगल पर, कितने एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज हम फाइंड करेंगे, और इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे। तो एक्स एक्सिस हम यहाँ पर ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे, और वाई एक्सिस हम वैसा ही कंसिडर करेंगे जैसे कि लास्ट केस में हमने देखा था। ओके, तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड। ओके, हम बात कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, डाउनवर्ड, तो अगर हम सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, तो इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स होगा यू कॉस थीटा, और यू वाई होगा यू साइन थीटा। ओके, एक्सेलरेशन की बात करें तो हम फिर से एक्सेलरेशन को यहाँ पर, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड जी है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक अलोंग दी एक्स एक्सिस और एक परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब अलोंग दी वाई एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस के अलोंग डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा वो होगा जी कॉस अल्फ़ा, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा जी साइन अल्फ़ा। लास्ट केस में हमने एक्स एक्सिस को अपवर्ड कंसिडर किया था, तो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस नेगेटिव था, पर यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा प्लस जी साइन अल्फ़ा। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है अपवर्ड थ्रो और डाउनवर्ड थ्रो में। यहाँ पर एक्सेलरेशन सपोर्टिंग होगा, वहाँ पर एक्सेलरेशन रिटार्डिंग होगा एक्स एक्सिस के अलोंग। बाकी वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, माइनस जी कॉस अल्फ़ा। ओके, अगर हम पोजीशन की बात करें एक्स पोजीशन की, तो अब वो हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस वन बाई टू जी साइन अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। और वाई कंपोनेंट की बात करें तो वो हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस वन बाई टू जी कॉस अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। वाई कंपोनेंट सेम ही रहेगा। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट में हमको पता है कि जो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब टी का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा तो वाई का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, मतलब वाई जो हमने लिखा था वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस वन बाई टू जी कॉस अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर में, अगर हम टी का वैल्यू कैपिटल टी पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो इंटू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस वन बाई टू जी कॉस अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। ये नेगेटिव टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, तो हो जाएगा प्लस जी वन बाई टू जी कॉस अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। तो टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, हमको यहाँ से टी का वैल्यू मिलेगा टू यू, टू का इधर मल्टीप्लाई होगा टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फ़ा। टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आया, टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहेगा। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आया, टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहेगा। अब हम बात करते हैं रेंज की, हम बात करेंगे रेंज की। ओके, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है और हमने यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट किया है, तो एक्स डायरेक्शन में वो कितना चलेगा, मतलब अलोंग दी इंक्लाइन प्लेन वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो होगा रेंज। ओके, तो यहाँ पर अगर हम टी का वैल्यू
कैपिटल टी पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू आर हो जाएगा। ओके तो इसे हम देखते हैं, एक्स का वैल्यू हमारे पास में था यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस वन बाई टू जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर x का वैल्यू r हो जाएगा जब t का वैल्यू हम कैपिटल T पुट करेंगे, तो यहाँ पर कैपिटल T पुट कर देते हैं, वन माइनस वन बाई टू जी साइन अल्फा कैपिटल T स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा u cos थीटा और t का वैल्यू कितना था, टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी cos अल्फा। यहाँ पर बीच में पॉजिटिव साइन आता है, यही एक दोनों में डिफरेंस है अपवर्ड थ्रो डाउनवर्ड थ्रो में। डाउनवर्ड थ्रो में यहाँ पर प्लस आता है, अपवर्ड थ्रो में यहाँ पर माइनस आता है। तो प्लस वन बाई टू जी साइन अल्फा इंटू टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा होल स्क्वायर। ओके इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, है ना, डिवाइड में जी भी कॉमन ले लेंगे और कॉस स्क्वायर अल्फा भी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ मिलेगा हमारे पास में टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके और यहाँ पर तो एक ही कॉस अल्फा था, हमने तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, तो ऊपर कॉस अल्फा का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर फोर डिवाइडेड बाई टू, तो टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन अल्फा एस इट इज। ओके तो यहाँ पर साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा को साइन टू थीटा लिखेंगे और टू साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे वन माइनस कॉस टू थीटा। तो रेंज होगा यू स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। ये एज इट इज, ये हो जाएगा साइन टू थीटा कॉस अल्फा प्लस वन माइनस कॉस टू थीटा इंटू साइन अल्फा एज इट इज। ओके यहाँ पर इस साइन टू थीटा को टू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिखा वन माइनस कॉस टू थीटा। ओके तो हमारे पास में आर आता है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा इन द ब्रैकेट साइन टू थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन, सॉरी यहाँ पर कॉस आना चाहिए, कॉस टू थीटा साइन अल्फा। ओके इन दोनों टर्म को हम साथ में लिखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं हम, यहाँ पर हमने इस साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया है तो ये टर्म हमको मिलती है। आर हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके यहाँ पर साइन टू थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस टू थीटा साइन अल्फा हो जाएगा साइन टू थीटा माइनस अल्फा। ओके प्लस साइन अल्फा, आप लास्ट लेक्चर की हेल्प से दोनों में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर पता कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आया, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ गया, तो अब ये हमारे पास रेंज का फार्मूला आ गया, सिंपल। ठीक है इसमें फिर से स्पेशल केस देखेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज में यहाँ पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा वन, तो आर मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा वन प्लस साइन अल्फा। ओके जब अगर साइन टू थीटा माइनस अल्फा को वन पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं हम पुट कर रहे हैं साइन टू थीटा माइनस अल्फा को वन पुट कर रहे हैं, मतलब कि टू थीटा माइनस अल्फा पाई बाई टू हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई फोर प्लस अल्फा बाई टू। ओके वहाँ पर था जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे थे तो पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू था, यहाँ पर पाई बाई टू प्लस अल्फा बाई टू। ओके फाइनली आंसर हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इन द ब्रैकेट वन माइनस साइन अल्फा। ओके
यहाँ पर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब कि आर मैक्स ये छोटा होगा तो आर मैक्स बड़ा होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो रेंज जो होगा वो छोटी होगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज बड़ा होगा। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट हमको अच्छे समझना है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक